थोड़ा वाढ़वा है बार संग यस सो सुरू के लिए संग मा ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन

कल अभिषेक सर ने जो पीडीएफ आपके ग्रुप पे भेजा था उसके प्रिंटआउट का कोई इंतज़ाम किया है आपने तो कीजिए देर इज़ नो प्रॉब्लम आज नहीं कल तो जिंदगी में आता है जिंदगी कभी रुकती नहीं तो कल तक इंतजाम हो जाएगा वो जो केस स्टडीज का पीडीएफ है वो शायद आपने तीन चार दिन बाद भी कर लिया देर इज़ नो इशू लेकिन वो जो हमारे समरी नोट्स है उनका थोड़ा बंदोबस्त जल्दी कीजिए कल इतना मैंने मोबाइल दिया था हमारे एक दोस्त का मुझे मैसेज आया था आई होप ही इज देयर आइदर इन ऑनलाइन और इन ऑफलाइन ऐसी बात उसने कही थी सर आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम तो लॉ के लिए मैं तैयारी कैसे कहूँ मैंने उसे बहुत प्यार से जवाब दिया था बाई वॉइस नोट मैंने कहा इट्स ओके मैं तो मराठी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ गया था द प्रॉब्लम वाज सिमिलर हर दिन फ्रॉम लुकिंग एट द नोट्स आफ्टर द टीचर हैज डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट आपके लिए भी काम की बात है इसलिए बता रहा हूँ अदरवाइज उसका और आपका कोई संबंध नहीं उसने डाउट पूछा था तो मैंने जवाब दिया था उस मेरे दोस्त को कि भैया हर दिन दो तीन फुल्स के भरेंगे इतनी इंग्लिश में आंसर लिखो और सिंपल सी जो बात जो मैंने भी की थी वो बात मैंने बताई थी मेरे ऑनलाइन दोस्त भी सीरियसली सुने वो बात मैंने उसे बताई कि भैया अगर ये राइटिंग में कोई एकदम ऑड वर्ड आता है तो उसका मीनिंग गूगल पे जाके देख लो कारण ये जो शिफ्टिंग है फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश एंड सिमिलरली फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ये शुरुआत में तो थोड़ा टप जाने वाला है और ये सभी धंधे मैंने किए अतुल जरा एक मिनट माला कई मेसेजेस आए तो रिप्लाय दिए तो मैं जरा यूट्यूब ची लिंक आने दया लेक्चर्स आई विल वेट फॉर अ मिनिट कारण वो एक पैदलली काम करना पड़ता है लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दोगे वेन आई एम फ्री ऑफ लेक्चर्स आई प्रॉमिस यू सच्चे दिल से दोस्ती में आई विल रिप्लाई देम टू यू तो एक मैंने आपको शीट दिया है ये वाला ये लास्ट ईयर की रिवीजन में अभिषेक सर ने बनाया था बराबर है तो मैं अगर ऐसे में दोषी हूँ कुछ अलग हो जिंदगी इसमें ही गई है तो मैं अभिषेक सर के जो आंसर्स थे थे या नहीं मुझे मालूम नहीं वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा नहीं मरते दम तक तो। मैंने मंडे से उसकी प्रिपरेशन शुरू की है ये सत्ताईस पेजेस के नोट्स है इनमें से पहले तीन पेजेस के आंसर्स बाय यस्टरडे नाइट एलेवन ओ क्लॉक मैंने मेरे जवाब लिखे मैं किसी के जवाब कॉपी पेस्ट करूँगा नहीं आई हैव गॉट माय ओन आइडेंटिटी माय नॉलेज माय एक्सप्रेशन इज़ डिफ़रेंट तो ये नोट्स आपके पास पीडीएफ में करोगे तो ये आज भी मुझे मालूम नहीं अभिषेक सर मुझे सिखाएंगे कि आईपैड के नोट्स अगर आपको मालूम है तो बारह पाँच को मुझे बाहर मिलके दोस्ती में मेरी मदद करो इससे कैसे पीडीएफ बनाते हैं आई डोंट नो दैट वाई शुड लाई हाउ वन पर्सन कैन नॉट बी ए मास्टर इन सो मेनी सब्जेक्ट अकाउंट भी मैं पढ़ाऊँ इको भी मैं पढ़ाऊँ लॉ भी मैं पढ़ाऊँ तो इतनी तो मास्टर ही नहीं है तो इस फील्ड में हमें वेरी वीक पर्सन किसी को मालूम है आइए मिलिए एज अ गुरु दक्षिणा मैं चाय पी पिलाऊँगा आपको ये प्रॉमिस है राइट तो दूसरा बंच मैंने आपको ये दिया था दूसरा बंच एक मिनट है ये थोड़ा अभी नया है इसलिए ढूंढने में समय लगता है बराबर है इसका पीडीएफ आपके पास कल से चाहिए आज नहीं है नो इश्यू हाँ मैं पॉजिटिव बातें आपके बैच में करूँगा अगर मराठी अच्छा है तो एक लाइन मेरे मराठी दोस्तों के लिए मीन निराशाजनक कहीं बोलना नहीं पेसिमिस्टिक आई एम नॉट गोइंग टू टॉक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग हम क्या कर सकते हैं अभी हम बात नहीं करेंगे आज के बाद दोस्तों हम क्या नहीं कर पाए वो समय गया अकाउंटेंसी में गलतियों की रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं मैं वही सीखा के आ रहा हूँ इलेवन के रिवीजन में रेक्टिफिकेशन और पीरियड लेकिन जिंदगी में रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं है जो आपने मिस्टेक की कल मैंने कहा था उन्हें ना दोहरा है मिस्टेक करना ये मरते दम तक चलेगा लेकिन कल की मिस्टेक आज नहीं होनी चाहिए मिस्टेक में वैरायटी होनी चाहिए तो जितनी मिस्टेक करोगे उतने अनुभव मिलेंगे राइट और मैं इस एकेडमी में हूँ तो मेरे आगे कौन है जिसने आधी से ज़्यादा तो जिंदगी देख ली अभी पच्चीस मई को सिक्सटीज में एंटर करूँगा तो एक साल बाद मुझे सीनियर सिटीजन कहेंगे इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलेगा तो इतना एक्सपीरियंस लेके तो मेरे वर्ड को कुछ वेटेज तो होगा हमें राइट शुरू करते हैं हियर वी गो दिस इज द फर्स्ट यूनिट मैं फर्स्ट यूनिट से डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ लेकिन आई विल बी अंडर सीरियस प्रेशर इन एवरी लेक्चर टू गो फास्ट बिकॉज देर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ लेक्चर्स दिस इज नॉट मेन टीचिंग ऑफ लॉ दिस इज रिविजन सही है तो थोड़ा सा आप भी समझ बूझ के लीजिए मैं थोड़ा स्लो टीचर हूँ मेरे ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट जानते हैं मैं उसके फंडामेंटल्स तक जाता हूँ लेकिन यहाँ पे क्या होगा मैं प्लांट नहीं लगाऊंगा मैं करूंगा प्लांट लगा के आप आए हो मैं खाली उसके ऊपर पानी फर्टिलाइजर्स केमिकल वगैरह स्प्रेड करूंगा समय की सीमा है समय का लिमिट है एंड हियर आई गो ए कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइंस दर्कमस्टेंसेस अंडर विच पार्टीज कैन एंटर इनटू लीगली बाइंडिंग प्रोमिस एनगेट देम एनफोर्स बाय लॉ दीनिंग इज वेरी सिंपल शॉर्ट में बोल रहा हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल है मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है टेस्ट मैच खेलने वाले बैट्समैन को आपने बताया ट्वेंटी ट्वेंटी खेलो बहुत मुश्किल है राहुल द्रविड़ शिफ्ट नहीं कर सके तो मेरे हालात वही है जो है वो सच बोल रहा हूँ लॉ में वही कॉन्ट्रैक्ट अलाउड होते हैं जो आप लीगली एनफोर्स कर सकते मेरे दोस्त जानते हैं एकदम जेन्यन घटना मैंने मेरे बेटे को प्रॉमिस दिया था ऑन गेटिंग सक्सेस इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मेरा ही स्टूडेंट था मैं उसे सेवेंटी थ्री थाउजेंड का रेड कलर का बजाज पल्सर मोटरसाइकिल दूंगा ईयर टू थाउजेंड सिक्स तो ये तो लीगली इनफोर्सिबल प्रॉमिस नहीं है कारण अपने बेटे को एज अ रिवॉर्ड ये मोटरसाइकिल देना ये थोड़ी लीगल ओब्लिकेशन है ये तो है सोशल ओब्लिकेशन तो अगर मैंने मोटरसाइकिल नहीं लिए इज इट एनफोर्सिएबल कैन ही मेक अ केस अगेंस्ट मी एंड आंसर इज ही नॉट कारण दो कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल वहाँ पर एबसेंट है जो कल के मेरे वाइफ को दिए हुए प्रॉमिस के एग्जाम्पल में भी सेम था पहला सवाल मेरा बेटा मुझे कोई भी कंसिडेशन नहीं दे रहा है पहली बात और दूसरी बात मेरे ऑनलाइन दोस्त कान खोल के सुन लो दूसरी बात देर इज नो इंटेंशन इन द माइंड ऑफ बोथ पार्टीज टू क्रिएट अ तो कोई भी प्रॉमिस लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होता जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था 2014 में अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हर गरीब के अकाउंट में मैं पंद्रह पंद्रह लाख जमा करूंगा स्विस बैंक से पूरा काला धन लेके आऊंगा इंडियन ने ऐसा वोटिंग किया सपने में भी आने लगा चौदह पंद्रह लाख मेरे अकाउंट में जमा हो गए पंद्रह हजार कभी ना देखे हुए लोगों को लगने लगा पंद्रह लाख मेरे अकाउंट में जमा हो गए वो तो जमा नहीं होने थे अमित शाह ने कहा एक साल बाद आज तक को इंटरव्यू में ये पॉलिटिकल जुमला था ये पॉलिटिकल फेक प्रॉमिस था लेकिन हम मोदी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते वी कैंट डू एनी थिंग कारण देर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप यू अंडरस्टैंड तो ऐसे ही हमें हर पाँच दस साल बाद लगता है कि एक मैजिशियन आ गया है जो हमारी जिंदगी में बहुत अच्छी बातें करेगा अच्छे दिन आएंगे कल तो दिन बहुत अच्छा आया फिर घर के गैस सिलेंडर के दाम पचास रुपये से बढ़े मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता बारह सौ में मुझे गैस सिलेंडर लेना पड़ेगा उसकी जगह में बारह हज़ार भी हुआ तो मैं ले सकता हूँ आज इतनी अच्छी अवस्था में आई एम टॉकिंग अबाउट द एटी परसेंट ऑफ़ द कॉमन पीपल सो लेट मी कंट्रोल माई सेल्फ वेन एवर आई एंटर इन टू पॉलिटिक्स इट इज़ नॉट अ लेक्चर ऑफ पोलिटिकल साइंस इट इज़ अ लेक्चर ऑफ लॉ नहीं तो बारह पाँच तक मैं इनको ही गालियाँ दूंगा तो अच्छे दिन वगैरह कुछ नहीं आए हैं लास्ट एक जनवरी को मेरा जब प्रॉफिट जमा हुआ एक का तब तो मैं हमेशा तीन महीनों के लिए दो लाख विड्रा करके घर पे लगा रखता हूँ तो दो लाख विदड्रॉ तो हुए नहीं कैशियर के सामने खड़ा था मेरे मोबाइल पे मैसेज आया योर अकाउंट इज डिबिटेड बाय वन टू एट फोर सॉरी वन एट टू फोर मैंने कहा यह क्या है कैशियर उन्होंने कहा सर अभी आपको टैक्स लगेगा जब आप कैश में विड्रॉ करोगे इच्छा तो मैं मेरा ही इनकम विड्रॉ करूं बैंक से तो भी टैक्स है आई एम कंट्रोलिंग माइ सेल्फ माफी चाहूंगी मैं बहुत बोल सकता हूं कारण ये आज मैं नाना पाटेकर बन गया हूं वेलकम पिक्चर का हर बार विषय निकलता है कंट्रोल कंट्रोल अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू सब सेक्शन एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेवेंटी टू ब्यूटीफुल डेफिनेशन ब्यूटीफुल वेरी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन बाय लॉ कल ही मैंने झलक दी थी सभी इसेंशियल भी फटाफट बताए थे फॉर्म्यूला बता रहा हूँ आगे जा रहा हूँ एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस लड़के ने मुझे ऑफर किया बजाज पल्सर का मैंने वो एक्सेप्ट किया दोनों में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ करंट कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी इसेंशियल्स हैं वो वहाँ मौजूद नहीं थी तो इसेंशियल कल भी बताई थी आज भी बताई एम एर राइट कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ कल रात को घर पे पौने ग्यारह बजे थका थका हुआ एस एम कल मैंने इतना ब्यूटीफुल आंसर आपके लिए लिखा है मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा बहुत खुश होने वाले हो कल रात को लिखा है देखो ये एक मिनट हाँ ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट कॉमेंट अभी नहीं पढ़ रहा हूँ डोंट वरी ना कोई डिक्टेट कर रहा हूँ यहाँ डिक्टेशन पॉसिबल नहीं है ए हॉर्स कैन बी टेकन अप टू वॉटर वेदर टू ड्रिंक द वॉटर और नॉट दैट चॉइस गोज टू हॉर्स ये बैच में ही होने वाला है मैं आपको कर एक रास्ते पर लेके जाऊँगा हाथ पकड़ के लेकिन जब पानी का तालाब आएगा दोस्तों आपको डिसाइड करना है मैं नॉलेज का तालाब आपके सामने प्रेजेंट करूँगा आपको डिसाइड करना है मुझे कितना पानी पीना है राइट right? तो ज़रूर उसका बेनिफिट लीजिए तभी आंसर दे रहा हूँ थोड़ा सा वेट करें कारण एक पार्ट पढ़ा के होने के बाद ये आंसर देने में मजा है तभी उसको वो आपको कंप्लीटली समझेगा इज दैट राइट सो फाइनल कमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ लास्ट एग्जांपल रेपिडली देता हूँ ए नाम का बिजनेसमैन मुंबई में अरुण गवली को मिलने गया और कहा ये फोटोग्राफ देख लो गवली साहब मुंबई का डॉन दाऊद के बाद अरुण गवली डॉन है आज जेल में है अर्थर रोड जेल में किडनैपिंग मर्डर केस में और वो वहाँ ही सड़ेगा अभी गवर्नमेंट ने बराबर लटकाया उसे। मिल गया तो उसने कहा ये फोटोग्राफ देख लीजिए ये कौन है अरुण गवली ने पूछा इज रिच बिजनेसमैन भी मेरा कॉम्पिटिटर है सला मेरा बर्बाद करने के लिए तुला है इसे ठोक देना है अरुण गवली ने कहा आदमी बड़ा है साहब मैं पाँच करोड़ लूँगा ये पाँच करोड़ रिजल्ट कब मिलेगा 48 एट आवर्स में ठोक देंगे अरुण गवली ने उसे मारा ही नहीं नाउ द टू क्वेश्चन कैन बिजनेस मैन ए मेक अ केस अगेंस्ट अरुण अगेन्ण इन बॉम्बे हाई कोर्ट एंड एज द ऑनरेबल जज जस्ट आप क्या प्रोफेशनल अप्रोच ही रहा नहीं पांच करोड़ लिए और इसको मारा ही नहीं जस्ता आप कहेंगे वेट पुलिस को बुलाएंगे दोनों को सात साल के लिए अंदर डालो जस्ताब इन्होंने बी को मारा ही नहीं मेरे पाँच करोड़ मुझे वापस दो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रिस्टिट्यूशन नो बडी इज अलाउड टू एन्द्री शिमसेल बैट द कॉस्ट ऑफ अनद ही इज एन्द्री शिमसल एट द कॉस्ट ऑफ मी पाँच करोड़ लिए पैसे वापस दो जज कहेंगे देता हूँ पाँच करोड़ थे ना हाँ तो हर करोड़ के लिए जो आपने दी है गलती से किसी का मर्डर करने के लिए दो साल की सजा दस साल के लिए अंदर जाओ बाय इमीजिएटली अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट इज इट इनफोर्सेबल प्रोमिस कारण ये इलीगल है सीनियर कॉलेज में एक लड़के ने लड़की को प्रॉमिस किया ऐसे ही प्रोमिस हम फेसबुक पे देखते हैं फेसबुक से भी गूढ़ी गूढ़ी होता है नीचे क्या जल रहा है दिखाते नहीं खाली गूढ़ी गूढ़ी तो लड़के ने टिपिकल फिल्मी प्रॉमिस दिया इफ़ यू मैरी मी आई विल टेक यू फॉर हनी मून ऑन मून उसको लगा लड़की भी सेंटिमेंटल है लड़की निकली पहुंची हुई आजकल की मॉडर्न लड़कियाँ होशियार है कोई गलत तो नहीं मेरी भी लड़की ऐसी है चौदह मार्च को तीस साल की हो रही है मेरी बेटी छोटी है तीस साल की लड़का थर्टी फोर ईयर्स का पांच मार्च को हो रहा है और बीबी फिफ्टी नाइन की हो रही है टेंथ मार्च मार्च महीना ये मेरे लिए है तीन नागोबा है <laughs> <laughs> और तीनों मेरे लिए वेट करते हैं और तीनों का एक ही रूल मालूम है अकाउंट बहुत वीक है डेबिट वॉट कम से आने दो भैया तो वही कह रहा हूं कि इनफोर्सिबल प्रॉमिस नहीं है यू अंडरस्टैंड तो लड़के ने प्रॉमिस दिया आई विल टेक यू और फॉर हनी मोन ऑन मोन लड़की निकली मैच्योर लड़की ने मत सवाल पूछा ए डोंट चीट मी है मेंनी मोन ऑन मोन दर इज अ ग्रेविटी प्रॉब्लम नहीं समझा होगा मुझे हिंदू लाल में दबे में मिलने के लिए आई है तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा हाया ना में बोलो क्यों नहीं कारण इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म इट इज डायलॉग समझा ना कल सुबह तक तो हंसी ही यार बहुत हो गया चलो मजा किया बात है आप मुझसे भी बहुत आगे पहुंचे हो ऐसा नहीं है आई रिस्पेक्ट यू एज अ गुरु इतनी आपकी जनरेशन आगे गई है जो मुझे कई चीजें जिंदगी की 25 में समझ में आई आपने ऑलरेडी उसमें पी किया है थैंक्स टू तो सोशल मीडिया एंड मोबाइल हाय क्या बात है सो गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम वॉचिंग योर मैसेजेस टेलीग्राम ग्रुप का नाम भैया अभी लेक्चर में नहीं बोलता हूँ राइट ओके ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक है दैट इज राइट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ सेक्शन टू सबसेक्शन एच एग्रीमेंट यहाँ पे थोड़ी कॉमेंट आएगी एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिड्रेशन फॉर इच अदर आई एम सॉरी थोड़ा पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ चलेगा नहीं तो आप गाली दोगे सर बहुत आपके बारे में बोलते हैं और मैं किसके बारे में बोलूँ अभिषेक ने जब फ्लैट लिया तो मुझे क्या मालूम था क्या हुआ आई नो इन वर्ड केस ना सो डोंट से सर आपकी एग्जाम्पल देते हो मुझे मनीष सर की शादी में क्या हुआ रहा मुझे क्या मालूम है विजय की शादी में क्या 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 उसने गुल खिलाया मुझे क्या मालूम अरे राइट वो विजय बता पाएगा तो मेरी कहानी में बता सकता हूँ 2009 थाउजेंड वंदन धुलीवंदन का दिन मंथ ऑफ अप्रैल आई हैड अ मीटिंग विद डायरेक्टर राइट ऑफ रोहन बिल्डर्स लिमिटेड आई सेड मुझे वो फ्लैट पसंद आया है सिक्स फ्लोर का जिसका नंबर है ए वन सिक्स ज़ीरो फोर कीमत बोलो और मुझे चार कार पार्किंग चाहिए रोहन कृतिका में चार गाड़ियाँ हैं उसने कहा इंक्लूडिंग पार्किंग एक रुपया भी कम नहीं करूँगा दो करोड़ मैं बाईस मई को आपको पेमेंट करूँगा आप मुझे क्या कह दोगे मैंने उनको एक प्रॉमिस दिया आपको वर्ड समझना है सेट ऑफ प्रोमिस इसलिए बता रहा हूँ डोंट ट्रीट एनी डिस्कशन एज अ टाइम पास आई विल नो आई विल नेवर गो आउट ऑफ द बजट उन्होंने मुझे चार प्रोमिस दिए दो करोड़ में मुझे क्या क्या देंगे दो हजार स्क्वायर फीट का फ्लैट देंगे नंबर टू मास्टर बेडरूम विथ वुडन फ्लोरिंग होगा तीसरा प्रॉमिस तीन टॉयलेट्स है तीनों में जर्मन फिटिंग्स हो गए टॉयलेट फिटिंग और नंबर चार आपको चार कार पार्किंग दोगे देंगे आपकी लाइकिंग के आपको जो चाहिए वो तो मैंने उनको दिया एक प्रॉमिस बदले में उन्होंने मुझे एक दिया या सेट ऑफ प्रोमिस दिए सेट मीन्स मेनी प्रोमिस सेट मीन्स अगर थोड़ा मराठी अच्छा है अनेक प्रोमिस राइट right? ऐसे हुआ आगे लीगल इन्फोर्सिएबिलिटी लीगल ओब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट तीन एग्जाम्पल नहीं चार दिए मैंने अभी इतनी फास्ट बोलने की स्टाइल में पहला दिया कल बीबी को प्रॉमिस दिया फॉरेन लेके जाऊंगा नहीं लेके गया क्या कर सकती कुछ भी नहीं कर सकती अभी इतना अच्छा कमा रहा हूं तो डायवर्स लेने का भी डेरिंग नहीं है <laughs> इतना मेरा है ना उसका इस उम्र में सला कौन मिलेगा और कोई भी नया मिलेगा तो उसके साथ विचारों का कॉन्सेंसस एड ऐड आइडम होना चाहिए विचारों की सिमिलरिटी वो नहीं होगी तो बीवी ने मुझे पूछा था 2018 में जब उसे कैंसर डिस्कवर हुआ था अगर मैं मर जाती कह तो दूसरी शादी करते क्या बोल रही एक बार रिस्क लेके किया सक्सेसफुल हुआ फिर कौन झक मारेगा तो दूसरा तो मेरे किसी के साथ जमता जम भी नहीं सकता अभी किसे विचारों की सिमिलैरिटी है एक्चुअली आपकी जनरेशन का एक मिसअंडरस्टैंडिंग है रैपिडली दूर करू आपको फिजिकल अट्रैक्शन टिपिकल लगता है जिंदगी भर मजा करेंगे रियली really? <laughs> <Really? laughs> बापाशी मस्ती कराई ची <laughs> नहीं ये कुछ महीनों का कुछ सालों का मजा होता है मैरिज इज अ बंडल ऑफ ऑब्लिगेशन लेक्चर आपका थोड़ा जल्दी छोड़ के पोते को लिए लेके ले यही लड़का था तब किया तो लड़की की शादी हुई मुझे लगा मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई रियली <laughs> really, पोता होने के बाद अभी रोल बदला जो पहले बाप करता था वो अभी ग्रैंड फादर करने लगा तो जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती और एक गोल्डन डायलॉग एस एम स्पेशल ओब्लीगेशन मात ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मानोगे तो है नहीं मानोगे तो कल मनीष सर ने इंदोलाल कॉम्प्लेक्स का लेक्चर नहीं रखा मैंने लिया उसके बाद मेरा का था जीबी सर ने छुट्टी दी मैंने रखा मैं ये दो लेक्चर ओब्लिगेशन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानोगे तो है और नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं मेरे एरिया में आओ दांडेगर ब्रिज एक से इंदुलाल से मेरे घर पे साढ़े छः बजे ओपनिंग बैट्समैन देशी शराब के शॉप में जाते हैं बीवी है तीन भूखे बच्चे हैं और ये करता है साला बेवड़े है तो भाई साढ़े छः बजे ओपनिंग बैलेंस ए एस एम जोशी अरे बाबा यू और करता साले शादी की ना कॉन्ट्रैक्ट किया ना बच्चे पैदा किए ना लाइक अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो उनकी केयर कौन लेगा पागल की भोज? ए तो मत सीखा मुझे जिम्मेदारी और ड्यूटीज मानोगे तो है नहीं मानोगे तो कुछ नहीं है कल मेरी बेटी ने कहा बाबा यू आर माई टीचर दैट वॉज बिग एडवांटेज तीस लाख की मेरी एबडी हुई है तो अभी जा रही है पेरिस एमस्टरडेम अपने दोस्तों के साथ और स्पेन तो मेरी बेट, मेरी बीवी ने उंगली की फिर हमारा क्या अस्ता बोला ऐसा नहीं ज्यादा बोलने का नहीं करू पाँच लाख ट्रांसफर अभी ये दम होना चाहिए मेरी बेटियों में खाली मेरी एक ही बेटी नहीं है अब सभी मेरी बेटियाँ हो ये दम होना चाहिए और मैंने भी उंगली की ऐश्वर्या तीस लाख की एवडी तो साला मेरे बूढ़ापे का बंदोबस्ती हो गया बाबा रिलैक्स एकदम तेरी बेटी कड़क कमा रही इतना अच्छा लगा मैं तो मेरी बेटी से एक रुपया ना लिया हूँ ना लूंगा खुद भी अच्छा कमा रहा हूँ एट द एज ऑफ सिक्सटी विच इज एट लीस्ट वन पॉइंट फाइव करोड़ से ज़्यादा है लेकिन ये सुनता है कोई बाप तो सुकून मिलता है ना यही मेरी बेटी है अपने पिताजी से जब सुनाएंगे एटलीस्ट किसी और को याद ना करे ऐसे हम दोषी को तो याद करेगी ये सुकून होता है माँ बाप अपने बेटे बच्चे सेटल हो गए तो प्लीज आपके लिए गाइडलाइन दे रहा हूँ एज सीनियर फ्रेंड माँ बाप के अगेन दोस्तों से भी राइट जानते हो कभी कभार अकेले होंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी सोचो सही कह रहा हूँ ना प्यार से बोल रहा हूँ ना मेरा बेटा ही इज द हेड इन चितो मिठाई वाले ऑफ सैप ही सुकून मिलता है बाप अभी मुझे बेटे के लिए भी कुछ भी नहीं करना है बेटे के लिए भी नहीं एक ही टारगेट है मेरे पोते को अच्छा इंसान बनाना है और मेरे जैसा स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है मैंने एजुकेशन की बात नहीं की ना मैंने बेटी को कंपल्शन किया सी ए करे ना बेटे को किया आई अलाउड देम टू ओपन देयर विंग्स इवन दो 97% सी ए के मैंने तैयार किए फिर भी मैंने मेरे बच्चों को कंपल्शन किया एबल टू कन्विंस यूर पेरेंट कि मेरी आइडिया ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों है आगे बढ़ू जो भी बोलता हूँ प्यार से बोलता हूँ लोग यहाँ से बोलते हैं मैं यहाँ से नहीं बोलता मैं यहाँ से बोलता थोड़ा बहुत तो उसका फीलिंग आता होगा आई होप्सू so. चलो प्रोमिस वेन द पर्सन टू होम

पाँच साल हो रहे हैं और मैं नई गाड़ी प्लान कर रहा हूँ आपसे क्या छुपवाना है भाई बिंदास आदमी है पैसे मेरे वाइट का पैसा है इसके बाप को डरना है किसी के इनकम टैक्स कमिश्नर के पिता जी है बिंदास बताओ एस एम दोषी पे रेड मारो रेड मारेंगे तो कहेंगे एक नंबर दलिंदर आदमी है सलाह घर पे कुछ मिला नहीं खुद की जेब से पाँच लाख रख के जाएंगे तो फिक्र नहीं तो मैंने मनीष सर को ब्रेक में पूछा मनीष सर मैं पोलो बेच रहा हूँ आप कह रहे थे कि आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी चाहिए लाख में लेनी है क्या आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू पार्टीज टू यू माई नेम विल बी विर माई अनदर नेम विल बी प्रपोजर मनीष सर नेम विल बी और प्रपोजी एंड इफ मनीष सर एक्सेप्ट माई ऑफर हिज थर्ड नेम विल बी योर राइट एक्सेप्ट ऑर बराबर है टू एप्लाय दिस डिस्कशन टू दिस कोर्ट आई रिपीट फॉर यू प्रॉमिस वेन ए पर्सन अरे मराठी मधे घरी चलेल अस नहीं है तनिष काय है मेजोरिटी देर आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एंड आई है टू रिस्पेक्ट एंड टेक देयर केयर सो थोड़ा सा इंग्लिश में बोलता हूँ थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ और अगर कोई टफ वर्ड आ गया तो बिंग मराठी थोड़ा सा एखाद मराठी कॉमेंट पास ऑन करूँगा कारण मराठी की भी अपनी एक ब्यूटी है दादा कोंडके की गाने जो है वो अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो पूरा मज़ा ही चला जाएगा जब ढगाला लगली कर पानी थे हिंदी में क्या कन्वर्ट करोगे जमीन आप ली उतली लाल लालू या माती करू या काम आणि गालू या घाम आणि पिकवू पिकऊ मणी कमौती एक वर्षा तो होता इस हिंदी का ट्रांसफॉर्मेशन कर राइट तो मराठी की अपनी ब्यूटी है हिंदी की अपनी ब्यूटी है इंग्लिश की अपनी, अपनी ब्यूटी है और जिसकी जो ओरिजिनल भाषा होती है उसे ज्यादा ब्यूटीफुल होती है शादी के बाद उल्टा होता है दूसरे की भी, भी अच्छी लगती है लेकिन लैंग्वेज में तो अपनी लैंग्वेज अच्छी लगती है राइट अब एक्सपीरियंस से यही डायलॉग आते हैं ये डायलॉग आप मनीष सर से सुनोगे नहीं उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना नए खिलाड़ी है शादी के बाजार में मैं कह रहा हूँ मेरा कैसा हो गया जिंदगी इतनी आगे गई कि अनुभव ही अनुभव है और कोई लड़की अगर फील करती है सर एक दिन मैडम अगर आपको लेने आई और हमें वो मिली हम उनको डायलॉग बताएंगे शी नोज ऑल द डायलॉग्स तो ये उंगली मत कीजिए आप ही गालियाँ खाओगे मेरी बीबी कहेगी कुछ नया बताओ जो मुझे मालूम नहीं शी नोज एवरी थिंग ऐसा नहीं है बिंदास्त। मेरे घर में फ्री इकोनॉमी है एकदम फ्री इकॉनॉमी एवरीबडी इज हैविंग एवरी फ्रीडम प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ यूर कैरेक्टर एंड करियर टू सीज ये मेरे लिए बहुत मायने रखते कैरेक्टर एंड करिए वेरी इम्पॉर्टेंट इसलिए तो संस्कृत में कहावत बताए? सॉरी पुरुष कर्तृत्व स्त्रीय चरित्र ये पुरानी कहावत है ऐसा क्यों होगा कि पुरुष का ही कर्तृत्व होना चाहिए पुरुष का भी कर्तृत्व स्त्री का भी कर्तुत्व दोनों का भी कैरेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ आज की जनरेशन को लगता है आज का दिन अच्छा गया देन माई लाइफ इज गुड ऐसा नहीं होता लॉन्ग रन में जिंदगी को अच्छा बनाना है हमें आ एक दिन तो क्या इलेक्शन के दिन बेवड़ों का दिन अच्छा ही होता है वोटिंग से पहले मिलता है उनको सब कुछ बिरयानी कॉर्टर हाफ बराबर तो वो दिन का अच्छा होता है दूसरे दिन क्या खाएंगे इसका प्रॉब्लम होता है सो यू डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी वी हैव टू मेक अवर लाइफ परमानेंट आगे चलो आ, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ लेक्चर चल रहा है चलेगा इससे बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर इज नाउ इज रिक्वायड टू गो एज पर कंज्यूमर डिमांड आई मै आ राइट ऐसा ही है प्रपोजल मैंने मनीष सर को पूछा कि मनीष सर आपको मेरी सेकेंड हैंड पोलो गाड़ी जिसमें आप बैठ चुके हो चला चुके हो तीन लाख में लेनी है दोस्तों दो टाइप के ऑफर होते हैं मैं एक अलग स्टाइल में बताऊंगा आई थिंक आज के लेक्चर का सबसे चैलेंजिंग वर्ड आपके लिए सभी के जी ली जाएगा टू डू और टू एब एबेंट मेजोरिटी को नहीं समझता आपको लगता है एवरीबडी गेट्स मनी फॉर डूंग सम बट एट द सेम टाइम ऑलवेज रिमेम्बर सम पीपल गेट मनी इवन फॉर नॉट डूइंग समथिंग यू अंडरस्टैंड एक एग्जाम्पल देता हूँ टू थाउजेंड नाइन में पुना की एक बड़ी एकेडमी ने मुझे बुला लिया किसी का भी नाम नहीं लूंगा किसी को भी गालियां नहीं दूंगा ये मेरा अपना उसूल है आई डोंट वॉन्ट टू प्रूव दैट दे आर बैड दैट्स वो आई एम गुड आई वुड लाइक टू प्रूव आई एम द बेस्ट चाहे मैं बेस्ट हूँ या नहीं ट्राई तो करूंगा ट्राई में ट्राई करना मेरे हाथ में है तो उन्होंने कहा आपको मैं इतनी इतनी, इतनी अमाउंट हर महीने की शेयर ऑफ प्रॉफिट मिनिमम दूंगा द अमाउंट वॉज इन लैक्स इट वॉज अ गुड अमाउंट मैंने सेकेंड किया टिकेंड करने के बाद साहब मुझे कहने लगे लेकिन देर इज़ वन कंडीशन बोलिए पी वाई सी रेस्टोरेंट ये भी वेन्यू भी बताए शाम के पाँच बजे संडे इवनिंग कंडीशन क्या है उन्होंने कहा वो मुझे बुला रहे थे मतलब ही वॉज नीडी वो अगर नीडी थे देन आई वेंट इन दैट डिस्कशन इन डोमिनेटिंग पोजिशन जो किसी को कॉल करता है वो वीकर पोजिशन में होता है तो मेरी दादागिरी थोड़ी मीटिंग में चलेगी उन्होंने कहा आप जब मेरा अकेडमी ज्वाइन करोगे आप किसी और एकेडमी में नहीं पढ़ा होगा कॉफी मंगाया था कॉफी का सीप लिया और इसमें ऋषि की कूल और बिंधा स्टाइल में बताया तो उसके कितने मिलेंगे पहले पैसे आपने प्रॉमिस किए टू तो डू मी टू एब उन्होंने कहा जो ओरिजिनल अमाउंट है डूइंग समथिंग का उसका टेन परसेंट दूंगा No, फिर उन्होंने कॉफी का सीप लिया ट्वेंटी परसेंट दूंगा फिर मैंने कॉफी का कसीप लिया फिर मैंने कहा फाइनल थर्टी परसेंट और अगर काम करने के सौ रुपये दे रहे हैं तो दूसरी क्लास में ना पढ़ाने का जो फ्रीडम छीन रहे इसके तीस चाहिए उन्होंने किया डन तो आई स्टार्टेड गेटिंग कैन यू डिवाइड दैट अमाउंट मैथ्स में आप हंड्रेड ही लेते हो ना आई विल नेवर टेल यू द एक्चुअल अमाउंट वो तो अंदर की बात होती है कुछ तो सिकरेट रहने दो जिंदगी में हंड्रेड काम करने के मिलने लगे डूइंग समथिंग और थर्टी बी ऑनेस्ट एंड टेल मी इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू एब्सटेन इज इट क्लियर वॉज इट अ सिंपल एंड गुड एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भैया मैं कहता हूँ आजकल मेरे घर में अगर चोरी हुई जो भी कैश था जो बीवी के ऑर्नामेंट्स थे वो सभी चोरों का गैंग लेके भागा टीवी वगैरह भी निकाल के लेके गए लेकिन दोस्तों ये चोर तीन चीज़ें मुझसे चोरी नहीं कर सकती मेरा नॉलेज मेरा टीचिंग स्किल और मेरा एक्सपीरियंस सही कहा तो ये चीज़ें आपके ही साथ होती है और यही चीज़ों को मैं लॉन्ग रन में एक इंसान की एसेट कहता हूँ बाकी सब कुछ चोरी कर सकते कभी भी रात में दिन में रिवॉल्वर लगा के चाकू लगा के लेकिन रिवॉल्वर लगा के ये नहीं कह सकते ए ऐसे एम जोशी चल तेरा थर्टी एट ईयर्स का अनुभव दे वो नहीं दे सकता वो मेरे साथ ही रहेगा आई थिंक इट वाज अ गुड डायलॉग तो नॉलेज बढ़ाइए नॉलेज के बारे में मेरा एक फेमस डायलॉग है हमारे पुराने दोस्त भूल गए होंगे नॉलेज इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच नेवर डिप्रिसिएट्स बाकी सब कुछ डिप्रिसिएट होता है इंसान डिप्रिसिएट होता है एक दिन मर जाता है पीएम की बसेस हर दिन देखता हूँ तीन चार बन पड़ी है शिवाजी के दिनों की बसेस आज यूज करोगे तो बंद पड़ेगी उनका तो डिप्रिसिएशन चार सौ टके से ज्यादा हुआ है तो डिप्रिसिएशन बस भी होती है बिल्डिंग भी होती है बराबर इंसान का नॉलेज दोस्तों हमेशा एप्रिसिएट होता है तो मरते दम तक ये प्रोसेस चालू रखो ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज हमारे घर में दूसरा कोई चारा नहीं है आर यू हैविंग अ स्क सेट सो दैट यू कैन बिकम एम एस धोनी पटापट जवाब दीजिए पटापट कैन यू बिकम लॉयन एल मेस्सी बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर कल रिबॉर्ड दिया कैन यू बिकम क्रिस्टियानो रोनाल्डो खाली एक यूई के क्लब के साथ साइन करने के बाद चार हजार चार सौ करोड़ मिले कैन यू बिकम उस्ताद झाकिर हुसैन कैन यू बिकम किशोर कुमार कैन यू बिकम लता कैन यू बिकम बिग बी नहीं न स्किल तो सेट नहीं है ना चोरी कर सकते हैं ना झूठ बोल सकते हैं ना फ्रॉड कर सकते हैं तो वो भी डिपार्टमेंट यार सॉरी यार तीन वर्ड मैंने क्यों किए हम पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते तीनों का एक ही कंबाइंड वर्ड है चोर डाकू रोटेरा मर्डरर रेपिस्ट इन पांच वर्ड का एक ही मिलाप है पॉलिटिकल लीडर तो वो भी नहीं कर सकते मां बाप ने संस्कार किए हैं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति न इन संस्कारों से पला हुआ आदमी मुझे देखो मैं कभी झूठ ही नहीं बोलती इसलिए कई लोग मुझसे नाराज होते हैं मैं अकाउंट्स की बैच में किसी ने गलत डेबिट क्रेडिट लिखा या टोटल नहीं ली मैं नोटबुक लेता हूँ फाड़ के प्यार से फेर देता हूँ थर्ड फ्लोर से फेंक देता हूँ सर बहुत नालायक है मैं नालायक ही हूँ मैं तुम्हारे घर पे आया था बुलाने के लिए नहीं ना तो दो चार दिन गुस्सा आता है पांचवे दिन समझता है सर वो राइट हर चीज के लिए समय लगता है तो वो भी डोर हमारे लिए बंद हो गया तो हमारे लिए एक ही डोर ओपन रह गया भैया एंड दैट इज एजुकेशन बाकी दूसरा कोई डोर नहीं है स्किल है। स्किल सेट सेट है सेट पे आप बड़े हो सकते हो अक्षय कुमार कल जिसकी बात की इज द प्राउड ओनर ऑफ नेटवर्थ इज थ्री थाउजेंड करोड़ नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी तीन हजार करोड़ उसकी प्रॉपर्टी है चलो पहली कम कमाया राजेश का बंगलो बेच के भी चार सौ करोड़ आ गए तो इन एडिशन। सेट का उपयोग पांच बजे के बाद काम नहीं करता मालूम है ना अक्षय कुमार नेवर वर्क आफ्टर फाइव ओ क्लॉक तो जिंदगी के कुछ रूल्स भी है डिसिप्लिन है उसूल है आगे चलते वेन वन पर्सन स्टिग्निफाइज टू अनादर मैंने मनीष सर को बताया मैं मेरी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूँ तीन लाख में ही विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन मनीष सर प्रपोज ही ऑफर ही टू सच एन एक्ट डूइंग समथिंग और एब्सटेन ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल मैंने मनीष सर को प्रपोजल किया ऑफर किया वॉट एवर आई डिस्कस लिटिल बिट रैपिडली जो मेरी स्टाइल ऑफ टीचिंग नहीं है मैं हूँ थोड़ा बहुत तो समझ में आया है आवाज में दम है कि नहीं तो जरा जोर से बोलिए मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा यार अरे वही टीचर्स आर ऑल लाइक क्लासिकल सिंगर जितना ऑडियंस में दम होगा हमसे और अच्छा गाना बाहर आएगा ऑडियंस में दम होना चाहिए तो बिना करंट चिलना तो भी प्रॉब्लम है लेकिन जब मैं कुछ पूछता हूँ ज़रूर जवाब दीजिए मुझे भी समझता है इसे हम फीडबैक कहते हैं बराबर है फीडबैक अच्छा हो तो और पढ़ाने में मज़ा आता है इंथ्यूजम बढ़ता है और अभी तो इस उम्र में पैसा ये मेरे लिए प्राइमरी अट्रैक्शन रहा है नहीं पैसा क्या कमाया नहीं क्या थर्टी एट ईयर्स में अभी नहीं रहा अभी दो टाइम मैं सुबह शाम रसमलाई खा सकता हूँ वो भी खाने का नसीब नहीं है डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ खा सकता हूँ ये ताकत है तो अभी पैसा या लालच नहीं है लालच अगर है तो अच्छे स्टूडेंट को उनकी अच्छी जिंदगी बनाने का लालच है दैट इज कॉल्ड एज पैशन पैसा कमाना ये होता जाएगा और मैं पैसे के बारे में हमेशा कहता हूँ पैसा ही कमाना है तो क्या राखी सावंत भी कमाती okay. राइट जो है वो है तो उनकी स्टाइल ऑफ अर्निंग इज डिफरेंट माई स्टाइल इज वो नवटन की एक्ट्रेस है वन शुड वॉच राखी सावंत हाउ अ वोमन शुड नॉट बी राइट ओके सॉरी लड़कियों को गुस्सा नहीं आया होगा आई होप सो और आया होगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे भी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इसके बाद दो पार्टीज में एग्रीमेंट होता है दोनों में लीगल रिलेशन होना चाहिए देर हैज टू बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप लॉफुल कंसिड्रेशन दोस्तों एक या डेढ़ मिनट का कॉमेंट किसी को मन में आएगा सर अगर ए और भी कॉन्ट्रेक्ट कर रहे हैं जैसे आप और मनीष सर आपने कहा तीन लाख में मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ सर लॉ को क्या लेना देना है आप आपकी गाड़ी मनीष सर को फ्री में दे सकते हो दे सकता हूँ लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा इट विल नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये क्यों कहता इसका कि है इसका कारण बताओ ये साइकोलॉजिकल बेसिस है इंसान की साइकोलॉजी का लॉ ने स्टडी किया लॉ बनाया इंसान ने लॉ बनाया इंसान के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया इंसान को एक गारंटी चाहिए जिंदगी में कि मैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा सामने वाले ने दिया हुआ हर प्रॉमिस फुलफिल होगा रोहन कृतिका के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया रोहन बिल्डर मैंने दिया हुआ पूरा बाईस मई मैं को मैंने दो करोड़ दिए और उन्होंने दिया हुआ हर एक प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल किया दैट्स वाई देर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्टेक्ट ना मैंने उनके खिलाफ केस किया ना उन्होंने मेरे खिलाफ केस किया अ प्रोटेक्शन टू एवरी ऑनेस्ट सिटीजन तो लॉ ने इंसान की एटीट्यूड का स्टडी किया है जो जो चीज हमें फ्री में मिलती है वो हमें कभी भी वैल्यूएबल लगती हाँ। जिस चीज के पीछे पाने में जब आप कंसीडरेशन देते हो आज जो घर नया लिया हर महीने जब मेरे बैंक अकाउंट से उसका ई एम आए दो लाख सत्तर हजार जाता है तो मेरे मन में मेरे घर की वैल्यू बढ़ती है कारण ये पैसे मैं दे रहा हूं जब मेरे बाद ये फ्लैट मैं मेरे बेटे को ट्रांसफर करूंगा तो यही वैल्यू मेरे बेटे को नहीं होगी कारण मराठी में ब्यूटीफुल कहावत है जैसा जो चला कहते हो एम राइट और नॉट मेरे बेटे का कुछ नहीं चल रहा है साहब बोल रहे थे बीच में अब स्कोड़ा के बाद अभी मैंने कहा स्कोड़ा जो तीस लाख की गाड़ी है मेरे पास बाबा मर्सिडीज मैंने कहा मर्सिडीज लेता हूँ ईएमआई तू भर जो अपने रूम में गया फिर आया ही नहीं दो घंटे कारण मेरी एक स्टाइल है आप अगर मुझसे कोई डिमांड करते हो घर वाले तो जो रॉकेट लगाते हो इनकी इच्छा होती है कि रॉकेट मेरे पैंट में जाए मैं रॉकेट की दिशा बदलता हूँ पर अबार अब वो रॉकेट उनकी पैंट में जाएगा तो रॉकेट लगाते ही नहीं वो डील मांगे मोर वॉज अ ब्रांड एडवर्टीजमेंट स्लोगन ऑफ पेप्सी ये घर में नहीं देखना चाहता हूं मैं क्या कर सकता हूं इसकी बजाय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मुझे क्या करना चाहिए मर्सिडीज लेके क्या करूँ स्टूडेंट डबल होंगे तो मर्सिडीज आज शाम को लेता हूँ स्टूडेंट डबल होंगे तो क्या करोगे आप फेसबुक व्हाट्सएप पे कॉन्ग्रेचुलेशन सर मानना पड़ेगा एक दिन के कॉम्प्लीमेंट एक दिन का राजा दूसरे दिन से ई शुरू अपनी औकात में रहो तो विजय माल्या कभी नहीं होता बराबर है अपनी औकात छोड़ के गए आई एम अ फ्रॉग आई विल नेवर प्लीड दैट आई एम अ बुलक मी बेड़ू बेडुक, के बेडूक मी स्वतः कभी बैल मंडना नहीं और जब ट्राई करूंगा तो विजय माल्या होगा अदानी होगा कई होंगे <laughs> सॉरी सभी ये कोई आदर्श नहीं है जिन सभी के नाम लूँ ये कोई संत महंत नहीं है एक नंबर के फ्रॉड है साले कॉम्पिटेंट पार्टीज थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ पहली रिक्वायरमेंट बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेजर कंप्लीटेड 18 नंबर टू बोथ द पार्टी शुड बी ऑफ साउंड माइंड साउंड माइंड की दो क्वालिटीज है जिंदगी भर याद रखिए भूलिएगा नहीं फॉरगेट अबाउट सिलेबस ऑफ लॉ अ पर्सन इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड हु इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डूइंग व्हाट इज कल ही परसों या तीन दिन हो गए मेरे एरिया में क्वालिटी नाम का बार परमिट रूम है वहां एक इतनी अच्छे घर की ब्यूटीफुल लड़की एक लड़के का हाथ पकड़ के इतनी ब्यूटीफुल मैं दिखा रहा था बीबी को देखो आज के आदर्श एक एब्सोल्युटली खराब लड़के का हाथ उसे हाथ में लेके उसे परस्यू कर रही थी उसे अपनी तरफ खींच रही थी मैंने कहा शी इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग राइट और नॉट क्यों हंस रही हो बेटी हो हा? क्या किसी रिक्शा वाले को प्रपोज करोगे तुम और मेरे सामने किया तो ऐसे मारूंगा ना साले दोनों को मारूंगा रिक्शा वाला वो क्या मराठी गाना है क्या बख्तु है रिक्शा वाला <laughs> अरे यार हम कहा जाना चाहते हैं एंड वॉट यू आर डूइंग एंड दूसरी बात दैट पर्सन इज नॉट एबल टू डिसाइड वॉट एवर इज डूंग वेदर इट इज फॉर हिज बेनिफिट और नॉट ये दोनों क्वालिटीज अगर नहीं है मैंने मर्सिडीज लिया ले सकता हूं एक नहीं दो नहीं लिया कौन यार हर साल का इंश्योरेंस तीन लाख भरेगा सर्विसिंग को दी डेढ़ लाख मैं वापस ये आरबीआई का मैं इतना अमीर नहीं हूं कि डेढ़ लाख में सर्विसिंग के दू स्कोडा का ठीक है ग्यारह बारह हजार सर्विसिंग है बाईस हजार में इंश्योरेंस होता है तो मैं अपनी औकात में रहता हूं आई एम अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड अनसाउंड माइंड की आइडिया आई और तीसरी ऐसा बंदा होना चाहिए दोनों में से जिसको कभी भी जेल नहीं हुआ है जिसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है संजय दत्त पांच साल जेल में था डेढ़ साल नासिक जेल में साढ़े तीन साल बाद ऊना की जेल में उसे ट्रीटमेंट देने वाला मेरा करीबी दोस्त है योगेश देसाई रेगुलर लेक्चर में फोटो दिखा चुका हूँ और इसी योगेश देसाई ने अजमल कसाब और याकूब मेनन नाम के टेरिस को फांसी भी दी है कभी योगेश को समय हुआ मैं योगेश को बुलाऊंगा ऐसी पर्सनैलिटी शायद आपने देखी नहीं होंगी ही इज़ द हेड ऑफ़ जेल्स इन महाराष्ट्र मुंबई का सी भी मेरा दोस्त है ऐसा दोस्त है विवेक फंडसर कर मेरा व्हाट्सएप का डीपी देखो ही इज विवेक फंडसर का सी ऑफ मुंबई ऑलमोस्ट सी ऑफ महाराष्ट्र वो मुझे मिलता है तो हमेशा गालियाँ देता है चला मैं आई में पहला कैडर में आया तुझे आई करना चाहिए था टीचर क्या बन गए मैंने कहा योगेश मैं विवेक मैं आई एस बन के नारायण राणे को सैल्यूट नहीं मार सकता जो फोर्थ स्टैंडर्ड पास है इट विल बी द इंसल्ट ऑफ आई एस क्वालिफिकेशन मैं राइट ये अपना पढ़ाना ठीक है स्टूडेंट प्यार से पढ़ते हैं चार पैसे मिलते हैं घर चलता है और स्टूडेंट से प्यार रिस्पेक्ट मिलता है स्टूडेंट के आशीर्वाद मिलते हैं मेरी बीवी को मैं बचा पाया फ्रॉम कैंसर इज नॉर्मल लाइक यू एंड मी नाउ आपके आशीर्वाद के इतने लोगों की जिंदगी अच्छी मेरे हाथों से हुई है ये आशीर्वाद होता है ये अच्छी फीलिंग्स राइट right? आगे चलते कॉम्पिटेंट पार्टीज के बाद फ्री कंसेंट दोस्तों फटाफट बोल रहा हूं ए और बी जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई भी एक दूसरे के साथ ये चार में से नहीं करना चाहिए अगर ये, ये यूज किया तो आपका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है फ्रॉड हिंदलबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद अदानी

ट इज कॉल्ड एज फ्रॉड जानते हुए कि इम्पॉसिबल है चोरी की कार मैं आपको बेच रहा हूं अरे वॉट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यू हैव टू ट्रांसफर ओनरशिप राइट टू बायर ये चोरी की गाड़ी है जो ओनरशिप रेट मेरे पास ही नहीं है मैं क्या ट्रांसफर करूंगा आपको गोल्डन प्रिंसिपल है सेल ऑफ गुड सैक का हाउ यू कैन गिव दैट विच यू डू नॉट है ओनरशिप रेट आपके पास ही नहीं है वो आप बायर को कैसे दे सकते हो बराबर है एंड दैट्स वाई इट विल बी वॉइड बीडीश चोरी की गाड़ी अगर मैंने आपको बेची इट विल बी वॉइड समझ में आई बात आप कभी भी ओनर बनोगे फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन मैं आपको कोई झूठ बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले लेकिन मैं जानता नहीं सला झूठ है तो मेरे मुंह से झूठ बोल रहा हूं लेकिन ये डिलीबरेटली नहीं है ये इनोसेंटली है कई लोगों को मसाला डाल के बोलने की आदत होती है दैट इज ह्यूमन एटीट्यूड आपका एक दोस्त एक रेस्टोरेंट में आया था बारह परमिट रूम में मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ सामने थम्सअप है अपने हाई किया सर हाय करके तो दोस्तों के साथ आया ओके ओके एंजॉय एक दोस्त ने दूसरे को बताया मसाला ऐड करके एटीट्यूड ऐसे में सर बैठे थे ओल्डमंग चालू था अब इसने मेरे ग्लास को टेस्ट किया था कि मैं ओल्डमंग कभी पीता नहीं मैं विस्की पीता हूँ पहली गलती है एरोरऑफ प्रिंसिपल इसने दूसरे को बताया दूसरे ने तीसरे को बताया टि, टिपिकल ह्यूमन मसाला लगा के दूसरे का नाम खराब करना है ना मसाला लगा तो क्या यार एस एम जोशी का कोटा है तो बारह बजे तक चालू था एंड लास्ट स्टेज बाप रे बाप एस एम जोशी दिखाते हैं कुछ और और है कुछ और गाड़ी तक भी पहुंच ही नहीं सके मैं टेंशन में था घर कैसे पहुंचेंगे अब तुला लगा ही कुछ भी ऐड करते तो मिसरिप्रजेंटेशन इसके द्वारा होता है एम ए राइट और नॉट बचपन में पहला योग सुना था तीन छोटे छोटे मेरे पोते जैसे दोस्त छुट्टी के दिन खेल रहे हैं तो तीनों को प्रूव करना है मेरे पिताजी भारी है तो पहला कहता है मेरे पिताजी इतने भारी है छुट्टी होती है ना संडे तो सैटरडे नाइट जो सोते हैं वो डायरेक्ट मंडे मॉर्निंग ही उठते हैं अभी इसने प्रूव किया मेरे पिताजी कितने भारी है दूसरा भी इनोसेंट बच्चा है समझता तो, तो कुछ नहीं क्या बोल रहे दूसरा कहते अरे रेत मेरे पिताजी तो बहुत बाली है वो तो मंडे सोते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट मंडे उठते हैं। अभी तीसरे के लिए चैलेंज है तीसरा कहता है आले ये तो कुछ भी नहीं मेरे पिताजी रात में हमारे घर में सोते हैं सुबह में बाजू वाले के घर से आते हैं <laughs> तो way, ये बात हो गई मिसरिप्रेजेंटेशन की ओके okay, ऐसे मेरे पास बहुत सारे जोक्स हैं लेकिन कुछ नॉनवेज है एक लाइट नॉनवेज जाते जाते सुनना इम्पॉसिबिलिटी पे तो वो भी सुन लो पिताजी अपने बेटे को कहते हैं बेटा तेरी शादी की उम्र हो गई शादी का क्या सोचा है हमें बहू चाहिए अभी वी आर वेटिंग फॉर दैट बेटा कहता है पिताजी मुझे मेरी होने वाली बीबी चांद जैसी चाहिए अरे यार पागल की फौज इतनी ब्यूटीफुल कहाँ से मिलेगी तेरा लॉजिक क्या है चांद जैसी होनी चाहिए पापा अरे लॉजिक बोलना तो हम ढूंढेंगे रात में आनी चाहिए सुबह में जानी चाहिए आगे चले नहीं समझा होगा दबेटी स्टॉल फ्री कंसेंट तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की झलक हो गई आइकता है क्या ऐकता है नेक्स्ट इज कॉर्शन साढ़े बारह बजे लास्ट शो देख के बीबी के साथ घर जा रहा हूं एक चौक में स्ट्रीट लाइट नहीं है चार गुंडे आ गए वैल्यूएबल निकाल तेरा चेन रिंग मोबाइल वॉलेट चल मैं मेरी जान बचाना चाहूंगा यार हंसी खुशी थोड़ी दूंगा तो रिवॉल्वर लगाने के बाद इतनी फट जाती है और मैं ऐसा बंदा हूं सामने वाले को कभी मुंह पे गाली भी नहीं दी हाँ देता हूं गालियां लेकिन मन ही मन में तो सामने से समय किसके पास है झगड़ा करने के लिए मैं राइट तो मैंने सब निकाल के दिया ये लो बाबा ये लो बाबा कार्ड का नंबर बता मैंने गलत नंबर बताया उतनी तो अकल आ गई रिवर्स नंबर बताते हो रिवर्स टाइप होता है तो पुलिस वालों को इंटीमेशन जाती है जाते जाते बता रहा हो आपका अगर रिवर्स टाइप किया तो इंटीमेशन जाता है पुलिस में और आप कैच हो जाते हो यानी तो थोड़ी एक्स्ट्रा बात है एंड लास्ट इज एन इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ अनफॉर्चुनेटली अरे मेरा समय हो गया लास्ट टू मिनट्स कंटिन्यू करो समाइम्स इट दैट एनिमल्स की दुनिया में भी होता है फिश की दुनिया में भी होता है इंसान की दुनिया में भी होता है सम पीपल आर इन डोमिनेटिंग पोजिशन सम पीपल आर इन वीकर पोजिशन बड़ी मछली और छोटी मछली और बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा लेती है समझ में आई बात आपके साथ होने वाला है अगर लड़के हो लड़कों का एक्सप्लोडेशन अलग होता है लड़कियों का अलग होता है डिटेल में इतने तो बड़े हो गए अकल आनी चाहिए आप अगर वीक पोजीशन में गए और आप नीडी बन गए नीडी आपकी नीड सामने वाले के लिए एडवांटेज होती है तो जिंदगी में सच्चे प्यार से बोल रहा हूं दोस्ती में नीडी कब मदी कभी बन मत बनी आई ऑलवेज ट्राइड टू बिकम अ बिग मछली अब कहोगे फिर इमीजिएटली पुणेरी हो ऊना में बैठे हो सर छोटी मछलियों को खाने के लिए नहीं रे बाबा कोई और बड़ी मछली मुझे ना खाए इसलिए बड़ी मछली होना चाहता हूं और उसके लिए आज भी सिक्सटीज में जो चाहे मेहनत करने के लिए तैयार हूं तो वैसे दिस इज माई लेक्चर नंबर सिक्स क्या थका हुआ लग रहा हूं सुबह में ही बैटरी चार्ज करता हूं डेढ़ घंटे का एक्सरसाइज हुआ है पांच बजे बोलने का नहीं दैट्स माय लाइफ जिंदगी लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोवाइडेड यू वांट टू मेक इट ब्यूटीफुल बड़ी मछली छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है केरला का केसला बता रहा हूँ एक औरत ने टेंशन में हार्ट चेस्ट पेन हो रहा था हस्बैंड को अपने हस्बैंड को एडमिट किया हॉस्पिटल वालों ने बताया मॉडर्न हॉस्पिटल पचास हजार एडवांस इसके पास पांच रुपये भी नहीं बट शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल साउथ इंडियन केसला है केरला बाजू में मनी लेंडर के पास गई पाँव पड़ी साहब पचास हजार लोन दो हसबैंड मर जाएगा मनी लेंडर ने कहा ये पचास हजार दे रहा हूँ उसके हाथ में थे अभी तक दिए नहीं थे इस एग्रीमेंट पे साइन करो शी बी केम नीडी एंड इमीजिएटली टुक द एडवांटेज कंडीशन इज साइन करो अंगूठा लगाओ कंडीशन इज टेक दिस लोन अमाउंट ट्रीट यूअर हजबेंड कम बैक टू मी एंड मैरी मी देन ओनली यू विल गेट द लोन अमाउंट लियाना नीड का डिसएडवांटेज ऐसे मेरे पास 117 सौ सत्रह केस लॉज है जब समय आएगा जब जरूरत पड़ेगी यू विल लिसन फ्रॉम मी ऑल द केस लॉज व्हाट एवर नॉलेज आई हैव आई विल ट्रांसफर इट डायरेक्टली टू यू विदाउट एनी रिजर्वेशन कुछ आपकी और अपेक्षा है व्हाट्सएप है जरूर आपकी अपेक्षा बताइए। अगर मैं आपकी अपेक्षा पूरी कर सकूँ आई विल ट्राई माई बेस्ट आई एम नॉट परफेक्ट ट्राइंग फॉर लास्ट थर्टी ईयर्स टू बी द बेस्ट थैंक यू वेरी मच कल मिलते हैं सुबह ग्यारह बजे हैव अ गुड डे